नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल युवावा इन्फोटेक पर। मैं विजय धाकड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्याज को लेकर आज का ये वीडियो रहने वाला है। इसमें हम टोटल बात समझेंगे प्याज के बारे में कि प्याज को लेकर सरकार क्या जो है अपनी रणनीति बना रही है और किसान लोग को प्याज के बारे में अब आगे क्या करना चाहिए, दीपावली तक प्याज की क्या कंडीशन बनने वाली है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी या अब कीमत धीरे धीरे घटने लगेगी, तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए ताकि आप जानकारी को अच्छे समझ पाएंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास आए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और दोस्तों, ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक के माध्यम से हमें बताया करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। तो किसान भाइयों, अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी और काफ़ी वायरल हो रही है कि अब प्याज जो है 30 रुपये किलो के दाम पर मार्केट में बिकने लगेगा। उसका रीज़न ये है कि सरकार अब नेफेड के द्वारा जो है प्याज बाज़ार में उतारने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले ही बात मैं आपको बता देता हूं फाइनली कि जो प्याज के दाम हैं वह अब कम नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है ये आगे हम इस वीडियो में समझते हैं। प्याज के दाम कम नहीं होंगे बल्कि प्याज के दामों में धीरे धीरे अब बढ़ोतरी यहाँ पर शुरू होगी दशहरे के बाद। उसका रीज़न हम आगे इस वीडियो में समझने वाले हैं। किसान भाइयों, स्टॉक लिमिट तय करने का जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है तो उससे यहाँ पर प्याज के दामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि छोटे व्यापारी 2 टन का उन्होंने लिमिट दे रखी है और बड़े व्यापारी को 25 टन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विपरीत जो है गतिविधि हो रही है। व्यापारी लोग पहले से भी प्याज स्टोर किए हुए थे जिन्होंने अपना प्याज यहाँ पर अब मार्केट में निकाल दिया है। व्यापारी लोग अपना नुकसान कभी नहीं करते, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। किसान अपना नुकसान सहन कर सकता है लेकिन व्यापारी लोग कभी भी अपना नुकसान सहन नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है 25 टन, तो किसान भाइयों इतना जो है अगर प्याज यहाँ पर व्यापारी लोग स्टोरेज करते हैं तो काफ़ी बड़ा बजट बन जाता है और इतना बड़ा बजट उनका जो है जो डेली का बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर व्यापारी लोग किसान को कीमत भी प्रतिदिन के आधार पर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर अनुमान नहीं लगा सकते कि व्यापारी लोग स्टोरेज कर सकते हैं। व्यापारी लोग प्याज को स्टोरेज नहीं करते हैं, व्यापारी लोग प्याज को बाहर जो है देश है जैसा कि मध्य प्रदेश के अलावा, अगर मध्य प्रदेश से अगर प्याज खरीदा है तो बाहर वो उत्तर भारत के राज्यों में या दक्षिण भारत के राज्यों में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है जिसके कारण वह सीधा सा व्यापार कर रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने नेफेड के थ्रू प्याज बाज़ार में निकालने की बात कही है, लेकिन दोस्तों नेफेड ने अभी तक कुल मिलाकर 1,00,000 टन प्याज की खरीदी की है, मार्केट से प्याज उसने उठाया है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे नेफेड प्याज धीरे धीरे निकालता गया है, प्याज जो है निर्यात भी हो रहा था, उस समय भी प्याज निकला था। अब हाल फिलहाल में 25,000 जो टन प्याज है नेफेड के पास है। और दोस्तों, काफ़ी समय अब यहाँ पर हमारे पास बचा है कि अगर अक्टूबर माह के 10 दिन गिने और नवंबर के 20 दिन गिने तो 1 महीना यहाँ पर बन रहा है। 1 महीने में गवर्नमेंट प्याज की सप्लाई बराबर राज्यों में नेफेड के द्वारा नहीं कर सकती क्योंकि इतना प्याज स्टॉक में नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्याज की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है, गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्शन में आ रही है कि यार ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम से प्याज 200 रुपये किलो यहाँ पर बिकने लगे। तो किसान भाइयों, कंडीशन कुछ भी बन सकती है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि प्याज जब 80 रुपये किलो होगा तो उस समय काफ़ी किसान भाइयों ने यकीन नहीं किया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और उसके बाद जो समय धीरे धीरे बीतता गया और सितंबर में लगभग तेज़ी हमें देखने को मिली थी। तो किसान भाइयों, कुछ ना कुछ रीज़न रहते हैं जिसके पीछे मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो किसान भाई अभी घबराए हुए हैं कि प्याज की कीमत जो है घटने लगेगी धीरे धीरे, प्याज जो है अपने वास्तविकता जो प्राइस रहती है उसमें आने वाला है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी हद तक जो है नासिक प्याज की जो उत्पादन है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और देसी प्याज का जो स्टॉक है लगभग अब ख़त्म हो चुका है। आवके भी आप मंडियों में देखेंगे तो बहुत कम आवकी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो अब जो है प्याज के दामों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और दीपावली तक जो प्याज है करीबन 100 रुपये
प्रति किलो के आधार पर टच करने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर लग रही है। प्याज के दामों में 12 फीसदी का उछाल है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों में उछाल को देखते हुए 14 सितंबर को प्याज निर्यात पर बैन लगा दिया था। केंद्र के अनुसार प्याज के दामों में बढ़ोतरी की वजह यह भी थी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के जिलों में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन होता है और वहाँ बारिश और बाढ़ की वजह से फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था, जिस कारण खरीफ के मौसम में प्याज की पैदावार उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस वजह से मंडियों में प्याज की आवक गिरी। फिलहाल नई फसल आने में अभी करीब एक महीना लगेगा, जैसे दशहरा दीपावली तक संभावना जताई जा रही है कि प्याज 100 रुपये किलो भाव पर बिक जाएगी। किसान भाइयों, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। प्याज यदि आपके पास रखा है तो आप धीरे धीरे करके उसको मंडियों में ले जाने की जो है धीरे धीरे गतिविधि रखें ताकि प्याज के मार्केट समान रहे। वहीं दोस्तों, नया प्याज अगर जिन किसानों के पास रखा है अभी वर्तमान में है तो उसके दाम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और अंत समय तक हमें उसके दाम मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, अभी जो है नासिक प्याज में भी काफ़ी कंडीशन यहाँ पर ख़राब लग रही है, काफ़ी हद तक प्याज ख़राब हुआ है, तो इसका भी मार्केट हमें अच्छे से अच्छा मिलने वाला है और दोस्तों ये भी काफ़ी डिमांड में बिकने वाला है। जिस प्रकार देसी प्याज की अभी मार्केट वैल्यू बन रही है उसी प्रकार जनवरी फरवरी तक नासिक प्याज की कंडीशन बनेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।